हेलो फ्रेंड्स, वापस स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो यह कहानी पूरा जरूर देखें। और आपको यह कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर पहुंचकर अंजलि बहुत खुश थी। उसके काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उसके सम्मान में एक जलसा का आयोजन किया था, जिसमें उसको सम्मानित किया जाना था। तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य अचानक से अतीत की स्मृतियां उसे घेरने लगी। बेचारी बेचारी, अंजलि बचपन से ही यह शब्द सुनती आ रही थी। उसकी दुबली पतली काया को देखकर सब लोग उसे बेचारी कहकर चिढ़ाते थे। वो आज भी कुछ नहीं भूली है। एक एक करके अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने से गुजरती जा रही थी। एक दिन उसका भाई उसकी चॉकलेट छीनकर भाग गया तो उसने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी देखो भैया मेरे चॉकलेट लेकर भाग गए हैं। अरे सत्यम, दे दो उसको उसकी चॉकलेट, देखते नहीं बेचारी कितनी दुबली पतली है। यदि कभी कुछ काम करने की बारी आती हुई तो, यही कह कर कि अरे रहने दे, थक जाएगी बेचारी, पहले ही कितनी दुबली पतली है। बेचारी शब्द सुनकर उसका बचपन कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसे इस बेचारी शब्द से नफरत होती जा रही थी। जवानी में भी इस बेचारी शब्द ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पढ़ाई करके एक दिन शादी करके अंजलि ससुराल आ गई। अंजलि ससुराल आकर बहुत खुश थी। उसे लगा यहाँ पर उसके सपनों को उड़ान मिलेगी, परंतु यहाँ भी बेचारी शब्द ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन में जिस बेचारी शब्द के पीछे सहानुभूति होती थी वही ससुराल में ताने छिपे रहते थे। धीरे धीरे अंजलि को समझ आने लगा कि ससुराल में उसकी जगह एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। सास ननद देवर ससुर पति इन सब की गुलामी करती रहो तो अच्छी भाभी बहू अच्छी पत्नी, यदि भूल से भी कहीं कुछ गलती हो जाए वही व्यंग, अरे छोटे शहर से आई है ना बेचारी, इसे क्या पता बड़े शहरों में कैसे होता है, अभी तो इसे सीखने में बहुत समय लगेगा। ऐसी बातों से अक्सर अंजलि घायल हो जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। आखिरकार सहन करने की भी एक सीमा होती है। उस दिन पहली बार अंजलि ने सबके सामने अपनी जुबान खोली। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग छोटे शहर वाली लड़की से शादी करके क्यों लाए हैं, सब समझती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ। आप लोग दिन रात काम करवाते हैं और छोटे शहर के होने का ताना देकर मुझे यह एहसास कराने की कोशिश लगे रहते हैं कि मुझसे रिश्ता जोड़कर आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। सच तो यह है कि आप लोगों को बहू भाभी या पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए थी जो 24 घंटे आप लोगों के घर में काम करे। उसकी ननद बोली, देखा ना मैं कहती थी कि यह सीधी नहीं है, बस सीधा होने का ढोंग करती है। आने दो, आज शाम को भैया को बताती हूँ उनकी पत्नी की करतूत को कैसे पटर पटर जुबान चलाती है। शाम को विशाल जब ऑफिस लौटता है वह बोला, अरे अंजलि एक गिलास पानी तो देना, मैं माँ के कमरे में जा रहा हूँ, पानी वहीं ले आना। अंजलि ने कहा, अच्छा ठीक है। रोज का रूटीन था, ऑफिस से आने के पश्चात विशाल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में जाते थे उनका हालचाल पूछने के लिए। अंजलि पानी लाई और बोली, यह लीजिए। विशाल बोला, अरे अंजलि सिर्फ एक गिलास पानी, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि कमरे में माँ रुचि और रूबी हैं, अगर आ रही थी तो सबके लिए पानी ले आती। तभी रूबी बोली, रहने दो भैया, हम लोग अपने आप अपनी पानी पी लेंगे, इनको क्या लगता है यह पानी नहीं देंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे। सासू माँ बोली, क्या तुम्हारे मायके में यह भी नहीं सिखाया गया कि शाम को जब पति आए तो उसे खाली पानी नहीं देते, कुछ मिठाइयाँ बिस्किट वगैरह ही ले आती। अंजलि बोली, ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैंने सोचा कि पहले पानी दे देती हूँ उसके बाद चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले आऊँगी, मैं यही पूछने आई थी कि आप लोग भी चाय पियेंगे। विशाल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा अंजलि, जाओ सबके लिए चाय बना कर लाओ। दिन ऐसे ही बीत जा रहे थे। अंजलि के अंदर कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। एक दिन अखबार पढ़ते समय विज्ञापन में उसने मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए विज्ञापन देखा तो अचानक से उसको अपने MBA होने का ख्याल आया।
पहली बार उसने घर में बिना किसी को बताए उस पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया। 3 दिन के पश्चात इंटरव्यू के लिए जाना था। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और इंटरव्यू देने चली गई और भगवान ने साथ दिया, उसको नियुक्त कर दिया गया। 8 दिन के अंदर ऑफिस में रिपोर्ट करना था। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया था। अंजलि आज बहुत खुश थी। इतने सालों के पश्चात ही सही पर अपने पैरों पर खड़े होने जा रही थी। उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि ससुराल वालों को कैसे बताया जाए। वह शाम को होने का इंतजार कर रही थी। जब शाम को घर लौटे तो अंजलि चाय लेकर माँ जी के कमरे में गई। वहाँ पर रोज की तरह घर के सारे सदस्य बैठे हुए थे। छोटी ननद रोजाना की तरह उसको छोटा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अंजलि ने धीरे से अपने सास ससुर से पूछा, मम्मी पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही इससे पहले कि विशाल कुछ बोले या सास ससुर कुछ जवाब दें, बड़ी ननद बोली, तुम और नौकरी, तुमको क्या लगता है कि तुम जो डिग्री लाई हो उससे तुमको इस शहर में नौकरी मिलेगी। विशाल ने कहा, तुमको नौकरी करने की क्या जरूरत है। सासू माँ बोली, शायद दिन भर काम करती है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए नौकरी करने की सोच रही होगी। बस सुबह तैयार हुई और बैग लटका कर चल देगी नौकरी करने, घर के कामों का झंझट खत्म हो जाएगा। छोटी ननद बोली, भाभी जाओ और देख लो, जाकर तुमको कहीं कोई नौकरी दे दे तो। अगर तुमको नौकरी मिल जाती है तो हम लोग मना नहीं करेंगे। क्यों भैया, आप नहीं रोकोगे ना। अंजलि ने एक बार फिर पूछा, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो सच में आप लोग करने दोगे। ससुर जी बोले, अगर मिल जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। अंजलि को बस एक मौका चाहिए था जो उसे मिल गया था। 1 हफ्ते बाद उसको ज्वाइन करना था। 2-3 दिन उसे नौकरी ढूंढने का बहाना किया। 1-2 जगह इंटरव्यू देने के बाद में घर में नियुक्ति पत्र दिखाया। 3 दिन पश्चात उसको ज्वाइन करना है। मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। अब घर के सदस्य कैसे उसको मना करें। इस पर भी छोटी ननद ने आखिरी वार किया, जाओ जाओ, जब रोज नौकरी करने जाना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते जो तुम घर में बैठे बैठे फिजूल खर्ची करती रहती हो। अब सब समझ में आ जाएगा। अंजलि ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वापस आकर अपने को नए माहौल में ढालने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे उसकी काबिलियत से खुश होकर उसको 2 ही साल में मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया गया। शाम को घर लौटते वक्त वह बहुत खुश थी। मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने मिठाई खरीदी और खुशखबरी देने के लिए जल्दी जल्दी घर आने लगी। खुशी में उसे यह ध्यान ही नहीं रह गया, जहाँ वह जा रही है उसकी खुशियाँ बांटने वाला तो कोई अपना नहीं है। वहाँ घर में पहुँचते ही सासू माँ बोली, आ गई बहू। उनका रवैया थोड़े दिनों से उसके प्रति कुछ नरम हो चुका था। उसको समझ में नहीं आया था। वक्त ने समझाया, या वह जो पैसे लेकर आती है उसकी वजह से ऐसा है, पर उसने उधर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मम्मी पापा, मेरा आज प्रमोशन हुआ है। मम्मी ने पूछा, अरे वाह, किस पोस्ट पर हुआ है। अंजलि बोली, मेरा प्रमोशन मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हो गया है और तनख्वाह भी बढ़ गई है। विशाल भी वहीं बैठे थे, वह अपने कंपनी में मैनेजर थे और अंजलि मैनेजिंग डायरेक्टर। यह बात उनको हजम नहीं हुई और जोर से चिल्लाते हुए बोले, अंजलि यह सब क्या लगा रखा है। मैंने पहले ही मना किया था कि नौकरी मत करो, मेरी तनख्वाह से घर चल रहा था ना, फिर क्या कमी थी तुमको जो नौकरी करने जा रही हो। देखो रात के 8:30 बज गए हैं, अभी तुम्हें खाना बनाना शुरू नहीं किया। कब खाना बनाओगी, कब हम लोग खाएंगे, समय का तो तुमको ख्याल ही नहीं है। ऐसे ही देर सवेर खाना देती रहो तो एक दिन घर के सारे लोग बीमार हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कल से नौकरी पर जाने की। उन लोगों को बोल दो कि तुम रिजाइन कर रही हो। अंजलि ने पहली बार पूरे जोर आवाज में विशाल का विरोध किया और बोली, मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ किसी ने मेरे खुशियों की और मेरे सम्मान की परवाह ही नहीं की। बेचारी बेचारी कहकर मुझे सारा काम करवाते रहे। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा। अब यह छोटी सी खुशी मिली है, इसको आप लोग छीन नहीं सकते
और सुनिए, मैं बेचारी नहीं हूँ। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, बेचारी नहीं हूँ। अगर आपको मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है तो मैं यह घर छोड़कर दूसरे घर में चली जाऊंगी। वैसे भी कंपनी की तरफ से मुझे घर मिल रहा है, पर मैं अब यह नौकरी नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर अंजलि अपने कमरे में जाकर अपने सामान पैक करने लगती है। आज शायद उसको इस बेचारी शब्द से मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।